लेकिन भाई जो अभी पावर आ रही है ना गाड़ी के अंदर भाई साहब, वो ये जो है ना ये कुछ नया यहाँ पर देखने में लग रहा है। चल टर्बो व्हिसल सुनना एक बार, ये देखो ये तो नॉर्मल इंजन साउंड है, इसको थोड़ा सा। हम सभी को मेरा नाम है श्रीश, स्वागत करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में, जहाँ पे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस MG Hector के बारे में। अब भाई आप बोलोगे इस MG Hector में ऐसा क्या नया है जो इस MG Hector की बात कर रहे हैं, तो वेल गाइस ये जो MG Hector है ना ये कोई ऑर्डिनरी MG Hector नहीं है, ये आपको डीजल वाली MG Hector देखने को जो ऑर्डिनरी मिलती है ना उसको एक लेवल अप करा गया है, यानी कि इसका जो इंजन आपको देखने को मिल जाता है फिएट सोर्स इंजन जो अपनी Hector के अंदर आता ही है, अपनी सफारी में आता है, हैरियर में आता है और जीप कंपास तक में आता है भाई, उस इंजन से जो है मैक्सिमम पावर तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन हाँ मैक्सिमम से एक लेवल नीचे, क्योंकि इससे ऊपर भी जो है इसकी पावर ट्यून हो सकती है और ट्यूनिंग के मदद से इस गाड़ी की जो पावर है वो इनहेंस करी गई है। अब भाई वो सब चीजें जानने के लिए अपन बुलाते हैं इस वीडियो के अंदर यश भैया को, जिनकी गाड़ी है और जिनका ये स्टूडियो है जो कि डिटेलिंग हॉक एंड कस्टम्स नाम से जयपुर के अंदर जाना जाता है। तो यश भैया की वीडियो जो अपन ने शूट करी थी सफारी से ड्रैग रेस वगैरह करा था, तो काफी ज्यादा मजा उस टाइम पे आया था भाई, और एक चीज यश भैया को फील हो रही थी उस टाइम पे जो है क्लच की प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम है ना, तो भाई वो थी। अब इनसे जानने वाले हैं कि वो सॉल्व हुई नहीं हुई, उस क्लच की प्रॉब्लम के पहले ही इन्होंने गाड़ी को जो है स्टेज 1 ट्यून करा गया, जिसके अंदर ऑर्डिनरी अगर पावर की बात कर ली तो 170 पीएस की पावर है, 165 मतलब 170 पीएस ही बोल लेते हैं ना, और टॉर्क 350 Nm था टॉर्क, एंड नाउ इट्स प्रोड्यूसिंग 190 bhp एंड 400 Nm, 190 bhp भाई साहब स्टेज 1। तो गाड़ी की सीधी सीधी आपने जो है यहाँ पर लगभग 30 पीएस की पावर बढ़ा दी, समवेयर अराउंड 25-30 25-30 के आसपास जो है पावर यहाँ पर इंक्रीज हो गई, वो तो ऑन पेपर है, बाकी अगर अपन वैसे बात करें चलाने के अंदर तो ग्राफ थोड़ा सा ऊपर ग्रेजुअल फील ऊपर ही होता है उसका। और इसका टॉर्क कितना है? टॉर्क पहले स्टॉक 350 था, अब 400 Nm, तो मतलब ये जयपुर की अगर अपन बोले इंडिया की पहली डीजल MG Hector स्टेज 1 ट्यून है, तो भाई कहीं से भी गलत नहीं होगा। अगर कोई है कमेंट्स के अंदर आप बता सकते हैं अगर ऐसा कुछ आपको पता है, या फिर आपके किसी यार दोस्तों में फिर आपके पास अगर कोई ऐसी डीजल MG Hector हो जो स्टेज 1 ट्यून है। देखो मैं आपको बताऊं, डीजल तो फिर भी ठीक ठाक सफिशियंट पावर प्रोड्यूस करती है, लेकिन पेट्रोल बहुत ज्यादा अंडर पावर आती है, तो मेरे ख्याल से शायद पेट्रोल भी हो ही सकती होगी, क्योंकि पेट्रोल हो सकती है बट उसमें इतना पोटेंशियल नहीं है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द ईसीयू जो बेसिकली आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। आपके आप कोई भी कार्ड ले लो वो डिपेंड करेगा एक बार ईसीयू देखने के बाद कि उसमें कितना ट्यूनिंग पोटेंशियल है। तो इस गाड़ी के अंदर बेसिकली क्या क्या चेंजेस हुए? इसमें अभी एक HPI का कोल्ड एयर इंटेक मैंने इंस्टॉल किया है, वो दिखा देते हैं। तो गाइस देखो जब इंजन की पावर की बात आती है ना, तो बिल्कुल किसी भी गाड़ी में पॉसिबल है, वो कंपनी जो इंजन ट्यून करती है तो उसके अंदर पोटेंशियल रहता है एक पावर अपग्रेड करने का, बस कंपनी करके नहीं देती क्योंकि सेगमेंट के अंदर ना तो उसकी जरूरत होती, और अगर होती है तो डेफिनेटली कंपनी करती भी, जैसे अपनी टाटा हैरियर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जब 140 पीएस की पावर जब लॉन्च हुई थी तो अब आपको उसको उसके अंदर मिल रही थी, और जब उसका नया फेसलिफ्ट वेरिएंट निकाला था 2021 के अंदर तब आपको उसके अंदर जो है 170 पीएस पावर करती थी, तो ये सब एकदम कंपनी के लिए आम बात है। लेकिन भाई साहब अपन कंपनी का वेट नहीं कर सकते ना, यश भैया को तो एकदम वो नीड थी, क्योंकि यश भैया जो है इससे सुपर फास्ट कार्स और ज्यादा चला चुके थे, तो एक मतलब मजा चाहिए था MG Hector में। तो गाइस ये देखो ये इसका पूरा इंजन भी है, टर्बो MG वाला जो है सेम वो इंजन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है, पर यार ये जो है ना ये कुछ नया यहाँ पर देखने में लग रहा है, तो यश भैया एक बार बताओ फटाफट से ये क्या चीज है? ये बेसिकली HPI का कोल्ड एयर इनटेक है, ये समवेयर अराउंड 5-6 bhp का गेन देता है। अब ऑब्वियसली वो ऑन पेपर से आप क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। 190 bhp मेरे को कोड 6 स्टेज 1 से मिला है, उसके बाद इसका एडिशनल जो भी 5-6 bhp रहेगा वो भी लेट्स अज्यूम 195 bhp। अब बेसिकली इसका काम ये होता है, ये काफी ज्यादा एयर सक इन करता है एक नॉर्मल एयर फिल्टर से जो अपन को कंपनी से मिलता है, और परफॉर्मेंस गेन्स भी कहीं ना कहीं फील होता ही है, प्लस इसका एक थ्रस्ट बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को, वो अपन वाइल ड्राइविंग में आपको पूरा एक्सपीरियंस कराऊंगा, मतलब अलग लेवल टर्बो जो फ्लटर कर रहा है वो इतना एक्सपेक्टेड मेरे को भी नहीं था, तो आई एम मतलब मैं ट्यून जितना ट्यून से खुश हूँ उससे मतलब उतना ही एयर इंटेक से भी खुश हूँ, मेंटेनेंस थोड़ा मुश्किल है, तो मतलब जहां पर इसकी 15,000 रुपए से सर्विस होती है 10,000 रुपए इसकी, 10,000 रुपए इंडियन वेदर में टू बी ऑनेस्ट 7-8,000 रुपए भी करा लो आप कार एंथुसियास्ट हो तो मुझे नहीं लगता किसी की पॉकेट को इतना हर्ट करेगा। यार टाटा वाले तो 15,000 रुपए कर रहे हैं मेरी यार। वो तो एयर फिल्टर चेंज करते हैं, इसकी लाइफ टाइम की वारंटी रहती है, जैसे K&N का जो कोल्ड एयर इनटेक आता है उसकी लाइफ टाइम की रहती है। अब इसकी लाइफ टाइम की नहीं, मगर वो ये एक बार गाड़ी में लगाया भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको मेंटेन करना होता है, इसका प्रॉपर पैकेज उसकी क्लीनिंग किट आती है, उससे आपको पूरा क्लीन करना पड़ता है एयर फिल्टर को 8-10,000 किलोमीटर। तो मतलब ये नॉर्मली जैसे आप MG में सर्विस कराने जाओगे तो वो लोग इसको साफ नहीं कर पाएंगे, वो
नहीं कर पाएंगे, इसके लिए प्रॉपर एक टूल आता है, नॉट एक्जैक्टली टूल पूरी। तो भाई आपको तो कुल मिला के अगर किसी को करवाना हो तो डिटेलिंग हॉकिन कस्टम में ला सकते हैं ना, सीधी सी बात तो ये है, ठीक है। बाकी अगर इसके लाइफ की बात करें तो लाइफ तो इसकी वो नॉर्मल, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, आप गाड़ी जितनी चला सकते हो ना उससे ज्यादा नहीं। जैसे नॉर्मल एयर फिल्टर में तो ये होता है कि हर 15,000 से 20,000 किलोमीटर बाद चेंज करना पड़ता है ना, खराब हो जाता है, क्योंकि एसी फिल्टर, क्योंकि एक तो पॉल्यूशन गाड़ी जब अपन चलाते हैं तो इतना ज्यादा इनटेक करती है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के अंदर आपको पता है भाई कैसा माहौल है, तो मतलब इसको चेंज कराने की जरूरत पड़ती होगी डेफिनेटली। नहीं, एयर फिल्टर को आपको चेंज नहीं कराना, अगर आप टाइम टू टाइम उसको मेंटेन कर रहे हो, उसको प्रॉपर सर्विस दे रहे हो, तो आपको कहीं भी जरूरत नहीं, आप 3,00,000 किलोमीटर चलाओ गाड़ी को आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक 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 एयर फिल्टर में देखो ना, आप एक नॉर्मल कंपनी का एयर फिल्टर जहाँ पे 500,000 रुपीज का कॉस्ट करता है, इट कॉस्ट समवेयर अराउंड 8,000 रुपीज, 8,000 रुपए का इसका एयर फिल्टर है। तो मतलब सिर्फ एयर फिल्टर भी बदला दिया ना गाड़ी का, तो भी आपको गेन मिल जाएगा गाड़ी के अंदर, थोड़ा बहुत फील हो जाएगा। अब अगर अपन रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली कहीं भी मेरे ख्याल से, तो है ना। तो बाकी भैया कलर बहुत ज्यादा गजब का इसके अंदर, और कलर के ऑप्शन वगैरह मिलते हैं, लड्डू पीला कलर, कलेजी कलर है। तो मतलब अभी गाड़ी की रिलायबिलिटी में अपन ने कुछ भी छेड़खानी नहीं करी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ भी रिलायबिलिटी, तार वार तो कोई कटिंग वगैरह ही नहीं, सिंपल बस प्लग इन प्ले वाली चीज है, सिर्फ प्लग इन प्ले है, यहाँ से ये खोला है और डायरेक्ट फिट हुआ है। इसके लिए कुछ कार्स में, जैसे हमने एक i20 1.2 NA पेट्रोल में किया था, उसमें एक पाइप लगा था, तो वो अटैचमेंट ढूंढना बहुत मुश्किल है, मगर ठीक है, हमने इनोवेशन करवा दिया है। उसके अंदर फिर भी हो सकती है वारंटी का, लेकिन मेरे को नहीं लगता इसके अंदर, क्योंकि एग्जिस्टिंग चीजों के अंदर आपने कुछ नई चीज डाली नहीं ना, एयर फिल्टर ही तो आपने चेंज किया है, तो ये शेप भी सेम है एमजी के एयर फिल्टर की, ऐसी रहती है इसकी शेप अलग है, बाकी की स्टॉक जो स्टॉक एयर फिल्टर होता है ना यहाँ पे जो आता है स्क्वायर शेप में, वही रहता है सब कार्स में, ये कोल्ड एयर इनटेक है, कॉनिकल एयर इनटेक, तो इसलिए ये उसका शेप है कॉनिकल। अच्छा, तो 8-9 PS की तो पावर आपने इससे बढ़वा दी, बाकी की जो पावर है उस पावर का राज क्या है आप ये बताओ। उसका राज है कोड 6। ओके, कोड 6। सो बेसिकली राजस्थान में कोड 6 अब आ चुका है, और हम लोग यहाँ पे इन हाउस ट्यूनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, बाकी छोटी सिटीज में क्या होता है कि आपका ECU खुल के जाएगा या बंदा आके करेगा, यहाँ पे अपने डिटेलिंग हॉक एंड कस्टम्स में वी हैव ऑल द टूल्स टू ट्यून एनी काइंड ऑफ व्हीकल जो कोड 6 से हो सकता है। तो मतलब इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि यार अपन ने जैसे इसको कोड कर दिया तो मतलब आपको जो है कोई इंजन में कुछ एक्स्ट्रा लगवाना पड़ेगा ना, कोई जैसा फ्यूल वगैरह डलवाना पड़ेगा, बस वो एक कंप्यूटर वाली बात है, कंप्यूटर के अंदर सेटिंग होती है ECU से। वही एग्जैक्टली, और स्टेज वन में आपको कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, आप स्टेज टू जा रहे हो, स्टेज थ्री जा रहे हो, तो आपको बहुत कुछ ब्रेकिंग से लेके सस्पेंशन सब चेंज करना पड़ेगा स्टेज टू में। व्हाट यू नीड इज अ बेटर एयर इनटेक, हमने प्रोवाइड कर दिया स्टेज वन पे, और कस्टम डाउन पाइप। ओके, अब आप एयर फ्लो आपने बढ़ा दिया है, अब गाड़ी का एयर जो मतलब निकलता है एग्जॉस्ट से, वो भी आपको उसका बढ़ाना पड़ेगा एयर रेशियो। तो बस कुल मिला के, हाँ कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पर जो है आपकी गाड़ी, जहाँ पर आप 10,000 किलोमीटर पर सर्विस कराते हो, अब आपको 8,000 से 9,000 किलोमीटर पर करा लेनी है। वो भी मैं अगर 10 तक नहीं कराऊंगा तो ऐसा नहीं, वो चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आप एकदम रफ ही चला रहे हो गाड़ी को, खींच रहे हो। तो भैया जैसे आप मुझे एक बात बताओ, जैसे जो क्लच वाला इशू आप गाड़ी में बता रहे थे, तो वो क्लच वाला इशू सॉल्व होने से पहले ही आपने सब ट्यून वगैरह कर लिया? ये जब मैंने ट्यून किया तो मैंने इस चीज का ध्यान रखा, वो जो पहले वाला क्लच था वो काफी दिक्कत दे रहा था, तो उसको मुझे एमजी ने फ्री में रिप्लेस करके दिया, पूरा करवा दिया था। हाँ, करवा दिया है मैंने, और उसके बाद अब इतनी दिक्कत नहीं आ रही, मगर विद टाइम 2-3 साल में वो क्लच मुझे फील हो रहा है वापस टाइट हो जाएगा। हाँ, तो क्योंकि यार देखो वही वाली बात है, सफारी हैरियर सब में ये क्लच टाइट है, वो रहे। इंजन गाड़ी का बहुत अच्छा है, मैं सही बता रहा हूँ, इंजन इस गाड़ी का इतना प्यारा है ना जैसे कोई हद नहीं, लेकिन बस यार ये इस गाड़ी का एक मैनुअल ट्रांसमिशन मात खाता है, वो आप चाहे इसे एमजी एक्टर ले लो, जीप कंपास ले लो, सब के अंदर ये फेस होने वाली है आपको ऑटोमेटिक, हालांकि एमजी एक्टर में आता नहीं है क्योंकि इसने पेट्रोल में आता है, पेट्रोल में आता है। तो भाई साहब अभी जैसे कि हमने गाड़ी को स्टार्ट करा तो कहीं से भी आवाज़ वगैरह से पता नहीं चल रहा कि इस गाड़ी के अंदर कोई ऐसा ट्यूनिंग हो रखी है या फिर एयर फिल्टर चेंज है। जब आप इसको एक्सेलरेट करते हो हाई स्पीड में तब ऐसा कुछ पता लगता है इसमें? हाँ, इसमें जब साफ टर्बो का फ्लटर सुनाई देता है वो अपन अभी ड्राइव करेंगे भाई साहब, वो टर्बो की विसल बहुत प्यारी लगती है यार, सच में। वो फील कर रहे थे 190 हॉर्स पावर पेपर में बोलना तो भाई बहुत कॉमन है, मैंने इस गाड़ी को खूब चला रखा है, लेकिन भाई जो अभी पावर आ रही है ना गाड़ी के अंदर भाई साहब, वो 190 PS इस गाड़ी के अंदर फील हो रहा है। और एक बार आपको इसकी आवाज सुनाऊं भाई साहब, आवाज सुनो एक बार, विसल टर्बो विसल सुनना, भाई साहब वो विसल सुनी, मतलब कितना ज्यादा इंक्रीज आ गया डीजल के अंदर। एचबीआई उम्मीद करी थी अपन ने इतना इंक्रीमेंट आ जाएगा, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज्यादा, मतलब आवाज का जो आउटपुट आ रहा है थ्रू एयर फिल्टर, टर्बो का थ्रस्ट बहुत प्यारा फील हो रहा है, बहुत तगड़ा फील हो रहा है। और अभी आपको इसकी एक बार रेस दिखाएंगे भाई साहब कैसे भगती है,
एक बार देखो खाली रोड पे चलते हैं, यहाँ पर अपन किसी की जान को रिस्क नहीं डालेंगे भाई, खाली रोड पे चल के दिखाते हैं जो असली फील है। बाकी अगर मैं आपको बताऊं तो ऑडी Q3 जो है ना उसको भी सीधा सीधा मात देती है गाड़ी पावर के अंदर, क्यों अशबिया? बिल्कुल, उसका आई थिंक समवेयर अराउंड 187 bhp है और 320-325 टॉर्क। अच्छा, इसका अपना 400 तो 400 Nm टॉर्क है, 400 Nm टॉर्क है और 190 bhp पावर ये दे रही है ऑन पेपर भाई साहब, ऐसे हवा के अंदर नहीं, ऑन पेपर वाली बात है भाई। जो इस गाड़ी का फील हो चुका है ना, एक तो आवाज मैटर करती है, ओ भाई 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 भाई। तो देखो भाई मैं आपको बताऊं, फर्स्ट एंड सेकंड गियर में तो नॉर्मल है, ट्रैक्शन लूज करती है अगर आप रफ से एकदम बढ़िया तरीके से उठाओगे गाड़ी को एकदम फुल पावर से, लेकिन थर्ड गियर में अगर ट्रैक्शन लूज करने लग जाए ना गाड़ी, जो ये कर रही है अभी, तो भाई साहब वो डेफिनेटली वो वाली चीज हो जाती है कि मतलब सच में कुछ ना कुछ उपाड़ लिया अपन ने इस गाड़ी में से। बाकी जो पावर है, जो विसल है, वो तो सब एक तरफ है भाई, और उसी के साथ साथ आपको एक चीज बताऊं, इस गाड़ी की जो एफिशिएंसी है यानी कि जो एवरेज है भाई साहब, इस गाड़ी के अंदर मैंने एवरेज देखा भाई 8-9 का, जब हम रफ एकदम बढ़िया तरीके से गाड़ी को पेल के चलाते हैं, लेकिन अब 1-1.5 किलोमीटर का यहाँ पर इंक्रीमेंट भी आ चुका है, और नॉर्मल अगर आप बहुत प्यार से गाड़ी को चलाओगे तो 17-18 तक ये गाड़ी आराम से पहले देती थी, अब जो है वो 20-21 तक आ चुका है। क्यों यश भैया? हाईवे पे मैंने अभी तक एग्जैक्टली ट्राई नहीं किया है, मगर हाँ ये फिगर्स आप मैच कर सकते हो अगर आप प्यार से चलाओ तो गाड़ी को आफ्टर स्टेज वन के, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं कि भाई गाड़ी एवरेज नहीं देगी, गाड़ी बहुत तगड़ा एवरेज देती है। देखो अभी तो इंस्टेंट एवरेज दिखा रही है यहाँ पे, लेकिन अगर अभी हम वो वाला एवरेज दिखाएं इसके अंदर जो वैसा है, तो यहाँ पर ये वाला इसका फिक्स एवरेज है 12.6 का, जब हम गाड़ी लेके निकले थे तो 12.5 का एवरेज था और 0.6 जो है हो चुका है, जबकि हम इसको रफ तरीके से चला रहे हैं। लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर अपन ने जो है गाड़ी के अंदर ट्यूनिंग करवा ली, गाड़ी को ट्यून करवा लिया, कोडिंग करवा ली, गाड़ी के अंदर एयर फिल्टर चेंज करा लिया, तो गाड़ी तेल पिएगी, लेकिन भाई ऐसा नहीं है, एवरेज पे भी गाड़ी में फर्क पड़ता है। और भाई साहब जो मैं फील कर पा रहा हूँ ना वो मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन भाई साहब अगर आप डीलिंग हॉक एंड कस्टम्स में आके ये अपनी गाड़ी में करवा लोगे तो भाई मैं हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को ये चीज देना चाहता हूँ। हाँ देखो पावर फील करो सबसे पहले, तो आप एक बार टर्बो की विसल सुनना गाइस, और आपको बताता हूँ फर्स्ट और सेकंड गियर में ज्यादा नहीं खींचेंगे भाई, इसको थर्ड गियर में बढ़िया से खींच के फिर बताते हैं आपको भाई। 100 आ गई, 120 भी क्रॉस कर लिया भाई विद इन सेकेंड, 120 क्रॉस करके 130 पे आ गई। जो ये है ना गेट बहुत ज्यादा हार्ड है यार, बहुत खतरनाक बिल्ड क्वालिटी है MG यहाँ पर ऑफर कर दिया अपन को। और आपको देखो एक बार इस गाड़ी का साउंड सुनाता हूँ, मतलब जो अपना इंजन नॉइज है ना वो सुनाता हूँ एक बार। ये देखो ये तो नॉर्मल इंजन साउंड है ही, इसको थोड़ा सोचो भाई, जब गाड़ी चलती होगी तो क्या तगड़ा रेव का साउंड आता होगा। और ब्लैक ब्यूटी भाई इतनी प्यारी लग रही है ना ये गाड़ी, सच में भाई प्यार हो गया इस गाड़ी का ये पावर फिगर देख कर। तो गाइस अब मेरे को इतनी एक्साइटमेंट हो गई ना यश भैया को चलाते हुए देख के, क्योंकि यार मैं भी इसकी बहन ही ओन करता हूँ, मतलब सफारी ओन करता हूँ, सेम इंजन है और सेम क्लच की प्रॉब्लम मुझे। और पहले के मुकाबले अब क्लच की बात करें तो भाई बहुत ही ज्यादा लाइट हो चुका, क्योंकि क्लच ही चेंज हो चुका। अब एक बार इसको फर्स्ट गियर पे करते हैं, जय श्री राम। तो ओके भाई, मतलब जैसे मैंने क्लच छोड़ा ना ऐसे लगा कि गाड़ी बंद हो जाएगी, तो बहुत धीरे से क्लच छोड़ना चाहिए इसका, है ना। तो इसको पहले और सेकंड गियर पे इतना नहीं रेव करेंगे, थर्ड गियर पे इस गाड़ी के मजे लेके देखेंगे एक बार। भाई साहब इनिशियली फील हो रहा है, और अभी थर्ड गियर पे 40 की स्पीड पे एक बार मैं रेव करता हूँ, 3-2 कुछ भी एक बार आप रिकॉर्ड करना इसको, 40 की स्पीड में 3-2-1 ये अपन ने फुल इसको खींच दिया भाई 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 भाई, खतरनाक खतरनाक भाई साहब। मतलब जो गाड़ी खींचती है ना भाई, मतलब इनिशियली ऐसा लगता है कि गाड़ी एकदम ऐसे हो चुकी है, पूरी उठ चुकी है आगे से, और जो फील आता है गाड़ी के अंदर भाई साहब एक नंबर भाई साहब, मजा आया। और ये मजा मैं हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को देना चाहता हूँ सच में भाई साहब, मतलब नेक्स्ट लेवल चीज है। मतलब आप यश भी एक चीज बताओ मुझे, रिलायबिलिटी इशू आते हैं गाड़ी के अंदर या नहीं आते इसको कराने के बाद? अगर इफ यू आर मेंटेनिंग योर कार परफेक्टली आपको कभी रिलायबिलिटी के इश्यूज आ ही नहीं सकते, क्योंकि यू नो MG की क्या रेपुटेशन है। अगर मैं MG जैसी गाड़ी को इतना एग्रेसिव करके चला सकता हूँ इतने लॉन्ग रन के लिए, तो मेरे को पता है नॉर्मल ये होंडा टोयोटा कितने रिलायबल ज्यादा है, दे आर फार मोर सुपीरियर कम्स टू रिलायबिलिटी। बिल्कुल, और मतलब मैंने ज्यादातर सुना तो ये है कि पेट्रोल गाड़ी ट्यून हो सकती थी, आज पहली बार देख रहा हूँ और एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि वैसे डीजल गाड़ी भी ट्यून हो सकती है। वो इसलिए भी है क्योंकि इंडिया में क्या बाहर भी डीजल हेड्स काफी कम है, और हर डीजल कार में स्पेसिफिक, टू बी वेरी स्पेसिफिक, टर्बो डीजल कार्स में बहुत ज्यादा टॉर्क में मतलब गुंजाइश होती है व्हेन इट कम्स टू ट्यूनिंग। आपके पास पोटेंशियल बहुत प्यारा होता है खेलने के लिए, क्योंकि पहले वो डीजल इंजन है फिर उसमें टर्बो आ रहा है, तो वो अपने आप 50-60 Nm का टॉर्क इजीली प्रोवाइड करता है। फर्स्ट गियर में जो एकदम ऐसे उछाल मार रही है ना, फर्स्ट गियर इसका ऐसा है कि
फर्स्ट गियर में बहुत एग्रेसिव पिक हो रही है, जैसे अपन सोचे ना बम्पर टू बम्पर ऐसे बहुत तगड़ा पिक हो रही है गाड़ी। और फर्स्ट सेकंड में मैंने इसको अभी तक प्रॉपर एक पुल करके भी नहीं देखा, क्योंकि वही है कि इतनी ज्यादा पावर जनरेट करिए इसका क्लच। आज भी ये प्रॉब्लम है सफारी वगैरह सब में, इसमें भी है हेक्टर में, कि इनके क्लच रिलायबल नहीं है। तो अपन इसलिए इस पे प्रेशर भी नहीं डाले अभी तक, ड्रैग वगैरह मैंने सेव कर ही नहीं है जब से मैंने इसे ट्यून किया है। उसके लिए मैं इसको प्रॉपर, इसका कस्टम मैप बनेगा और फिर ये ड्रैग के लिए भी रेडी हो जाएगी कार। डायरेक्टली रेडी, वैसे 9-10 दिन की बात है, 9-10 दिन में ट्रैक क्लियर रेडी हो जाएगी ना। ये थी अपनी स्टेज 1 ट्यून डीजल MG हेक्टर, ओनली वन इन इंडिया। और अगर भाई साहब किसी की है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो भैया इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो गाइस, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आ सकता है डिटेलिंग हॉक एंड कस्टम्स अपनी कोई सी भी गाड़ी को लेकर। सारी गाड़ियों के कोड्स अवेलेबल है अपने पास, तो सब गाड़ियां अवेलेबल आराम से हो जाएगी। और मेरे ख्याल से कितना क्या कॉस्ट आता है स्टेज वन समवेयर कॉस्ट भी अराउंड 24-26 डिपेंड्स ऑन द व्हीकल, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चलते हैं 1000-2000 डिपेंड्स ऑन टोटल डिपेंड्स ऑन द कार। तो भाई अगर कोई 25-30 लाख रुपए की गाड़ी लेके चल रहा है यार, तो भाई 25,000 रुपए मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा है। तो यार अगर आप पेट्रोल हेड हो या फिर डीजल हेड हो और आपको गाड़ी के अंदर पावर चाहिए, अपनी नॉर्मल गाड़ी चला चला के बोर हो गए हो यार, गाड़ी के अंदर एक जो स्पार्क मिस हो रहा है, तो भाई डेफिनेटली आपको इस चीज में जाना चाहिए। रिलायबल है, गाड़ी का एवरेज भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है गाड़ी का एवरेज नहीं बढ़ रहा, एवरेज भी बढ़ रहा है, और क्या चाहिए। तो भाई इस वीडियो में इतना मिलता है किसी वीडियो में, जब तक ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।